बढ़ते हैं आगे। फिरोजाबाद के करोड़पति कारोबारी की किडनैपिंग मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझी है। कारोबारी संजीव गुप्ता के अपहरण के 100 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है। उल्टे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और जांच आगे बढ़ाने के बाद किडनैपर्स ने संजीव गुप्ता के ही मोबाइल से उनकी पत्नी को धमकी भरा मैसेज भेजा है और फिरौती की रकम को आगरा में मंगवाया है। सवाल ये कि आखिर संजीव गुप्ता को किडनैपर्स ने कहां और कैसे अगवा किया और कब तक पुलिस किडनैपर्स तक पहुंचेगी? कब सुलझेगी यूपी की सबसे बड़ी किडनैपिंग मिस्ट्री? फिरोजाबाद के टॉप कारोबारियों में से एक संजीव गुप्ता शनिवार दोपहर अपनी इसी आलीशान कोठी से अपने रेस्टोरेंट के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद वो कहां गए किसी को कुछ नहीं पता। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पति के फोन से पत्नी को मिली 100 करोड़ की फिरौती की धमकी। कारोबारी संजीव गुप्ता के अपने ही फोन से एक ग्रुप के अंदर मैसेज आता है। इस ग्रुप में उनकी पत्नी भी मेंबर है। मैसेज में लिखा था कि उनका किडनैप हो गया है और उनसे 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। किडनैपिंग के 100 घंटे बाद भी खाली है पुलिस के हाथ। कारोबारी संजीव गुप्ता की किडनैपिंग के बाद पुलिस आसपास के सभी टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि शनिवार दोपहर से लेकर रात तक के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिससे किडनैपर्स के बारे में पुख्ता जानकारी हाथ लग सके। यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। न किडनैपिंग किए गए कारोबारी संजीव गुप्ता का अब तक पता चला है और न ही उन्हें किडनैप करने वाले किडनैपरों का कोई सुराग हाथ लगा है। पुलिस जांच कर रही है, कभी सीसीटीवी खंगाल रही है तो कभी सुराग की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अब तक कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। मैं यहां मौजूद ही नहीं था, मैं तो नई बस्ती रहता हूं। क्या पता लगा आपको? हमारे तो कहना यहां से फोन गया था, जब वो फोन गया तो मैं तुरंत चला आया। क्या पता लगा आपको? फिर पता ये लगा कि बेटा बताया करें कि 2 घंटे से आया नहीं, और पता यह नहीं करें कि हमने ये कहा घर पे कि क्या आपस में विवाद कर लिया क्या, तो वो थोड़े से पता कि हमें सूचना देने वाली बहू ने कहा कि तुम्हें बाबा भी क्या पता आ जाओ, मैं आप मेरे ठीक है आ रहा हूँ, कपड़ा पहन गया बाहर से लापता है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपने रेस्टोरेंट से निकले तो संजीव गुप्ता कहां चले गए। परिवार वालों के साथ साथ पुलिस भी संजीव की जगह जगह तलाश कर रही है, लेकिन अब तक इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस की गुनहगार पुलिस गिरफ्त से दूर है। अलबत्ता वो ओपन चैलेंज करके परिवार को धमकी दे रहे हैं। 25 जुलाई को संजीव गुप्ता की पत्नी के मोबाइल फोन पर एक बार फिर बेहद हैरान करने वाला मैसेज आया, नो चालाकी नो पुलिस, फिरौती की रकम आगरा में चाहिए। मतलब अपहरण करने वाले को पूरी खबर है कि जांच किस दिशा में चल रही है और कहां चल रही है, पुलिस किस पर शक कर रही है और किस पर नजर रख रही है। मैसेज में तो ये तक लिखा गया है कि रकम आगरा में चाहिए, लेकिन कहां चाहिए न वक्त का कोई जिक्र है और ना ही आगरा के किसी लोकेशन का। किसने भेजा, क्यों भेजा ये मैसेज, इसके अलग से हम लोग जांच इसके कर रहे हैं। सर ये कंटिन्यू उनका व्हाट्सएप चल रहा है, रात में चालू हो जाता है, मैसेज आ जाते हैं, तो क्या इससे कुछ मिल नहीं पा रहा है अभी तक? अब हो सकता है इसमें कोई और बात निकल के सामने आ सकती है। बड़ी बात यह है कि किडनैपर्स ने ये मैसेज संजीव गुप्ता के ही फोन से परिवार वालों को किया है। 22 जुलाई को संजीव गुप्ता गायब हुए थे, जिसके बाद से उनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब संजीव गुप्ता के मोबाइल फोन से इस तरह के मैसेज आए हो। इसके पहले भी किडनैपिंग के 2 दिन बाद ही 24 जुलाई को उनके फोन से ऐसा ही एक मैसेज आया था, जिसमें सीधे सीधे 100 करोड़ की फिरौती की रकम मांगी गई थी। अब उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए, वरना तेरे पति संजीव को जान से मार देंगे। फोन और संजीव मेरी गिरफ्त में है। शनिवार दोपहर कारोबारी संजीव गुप्ता अपने घर से अपने इसी रेस्टोरेंट के लिए निकले थे। वो यहाँ पर आते हैं, आधा घंटा बैठते हैं और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो है कारोबारी संजीव गुप्ता आते हैं, उन्हीं का रेस्टोरेंट है। बात करते हैं जो गार्ड है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं क्या हुआ था। शनिवार को संजीव गुप्ता जी आए थे यहाँ? आए थे रात यहाँ बैठे थे आधे घंटे करीब।
बारिश बंद हुई है या सही गाड़ी लेके अपने चले गए। किस तरफ गए थे? किस तरफ गए? किडनैपिंग की इस वारदात के 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। पुलिस 24 जुलाई वाले मैसेज की पड़ताल कर ही रही थी कि नया मैसेज आने से एक बार फिर परिवार वाले सख्ते में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या करें। 22 जुलाई को संजीव गुप्ता अपने रेस्टोरेंट से शाम करीब 6 बजे लापता हुए थे। उसके बाद से संजीव गुप्ता की पत्नी सारिका गुप्ता के पास 2 मैसेज आ चुके हैं। हालांकि इस बीच राहत की थोड़ी बात यह है कि पुलिस ने संजीव गुप्ता की कार को एक टोल नाके के पास से बरामद कर दिया है। कार भी बरामद की गई है जिसके बारे में गुमशुदगी में लिखा गया था, जिस कार से वो उनको जाना बताया गया था, वो अलीगढ़ जनपद में गभाना टोल प्लाजा के पास वो कार बरामद कर ली गई है। अब संजीव गुप्ता की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। संजीव गुप्ता की पत्नी को लगता है कि इस अपहरण में संजीव के बिजनेस पार्टनर का हाथ है, इसीलिए उन्होंने संजीव के बिजनेस पार्टनर नीता पांडे, उनके पति अरुण पांडे और अजय गुप्ता पर पुलिस के सामने शक जताया है। आपके बेटे के बारे में कुछ पता लग पाया? कुछ भी नहीं लगा। क्या लग रहा है आपको, कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? किसी से कोई रंजिश रही हो, दुश्मनी रही हो, कोई लगता है आपको ऐसा? 57 सालों में कभी किसी से कोई रंजिश दुश्मनी नहीं, शहर में आए हुए है। मैं तो बता कोई चीजों को इससे वो भी नहीं करता, इतना गंभीर व्यक्ति अपने जीवन काट है। पता चला है कि कारोबारी संजीव गुप्ता करोड़ों रुपए की कमेटी भी चलाते थे। कई लोगों के पैसे इस कमेटी में लगे थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं इस पूरी किडनैपिंग के पीछे कमेटी का चक्कर तो नहीं। इस बीच किडनैपिंग की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने 5 स्पेशल टीमें बनाई है, लेकिन अब तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है। पुलिस के सामने अब ये एक ऐसी पहेली है जिसका ना और मिल रहा है ना छोर। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप के दोनों मैसेज की भी गहराई से पड़ताल कर रही है, लेकिन बिजनेसमैन संजीव गुप्ता की किडनैपिंग का पेच सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। लखू शर्मा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, फिरोजाबाद।